नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछली जो क्लासें हो रही है दो तीन सिट्रस कल्टीवेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। आज अपन सिट्रस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और अब वो टॉपिक है सिट्रस डिजीज एंड इंसेक्ट ऑफ सिट्रस, है ना। इसकी कीट और बीमारियों से कई बार प्रश्न आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट डाउन करते रहना। सबसे पहले अगर अपन बात करें इसके इंसेक्ट की या कीटों की बात करें, तो इसमें प्रमुख कीट है, देखो, फ्रूट सकिंग मौत है, फ्रूट सकिंग मौत, ठीक है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं फल चूसक सलभ, फल चूसक सलभ, ठीक है। अब देखो, ये जो रोग है वो एक यूडोसीमा स्पीसीज के द्वारा होता है, यूडोसीमा स्पीसीज, ठीक है। अगर कीट का आपको जूलॉजिकल नेम पूछे तो यूडोसोमा स्पीसीज हो गया और फ्रूट सकिंग या फल चूसक सलभ हो गया, ठीक है। अब ये जो कीट होता है, एक तो ध्यान रखना दो चीज़ें इसमें, एक तो नाइट के समय ये एक्टिव रहता है, ठीक है, रात्रि के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है, और दूसरा वर्षा की जो सीजन होती है उसमें ज़्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो वर्षा व रात्रि के समय सक्रिय, ठीक है। अब देखो, जितने भी अपने इंसेक्ट वगैरह है तो इनका कंट्रोल देखो, जनरली अपन मोनोक्रोटोफॉस है या डाइमिथोइड है, इनके द्वारा रोग है, इनके द्वारा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना, इसका कंट्रोल अपन करते हैं प्रकाश प्रपंच के द्वारा, नियंत्रण प्रकाश प्रपंच, प्रकाश प्रपंच के द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है, या इसको इंग्लिश में बोल दिया जाता है लाइट ट्रैप या प्रकाश प्रपंच के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार सीधा ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नींबू वर्गीय फलों में निम्न में से कौन सा कीट है जिसका नियंत्रण अपन प्रकाश प्रपंच के द्वारा करते हैं, ठीक है। प्रकाश प्रपंच क्या होता है, रात्रि के समय देखो ये एक्टिव रह रहा है, तो नाइट में अपने खेत में जहाँ फील्ड है वहाँ पर जो सफ़ेद लाइटें होती है वो लाइटें लगा देंगे, वहाँ पर अगर कीट सफ़ेद लाइटों के प्रति ये क्या होता है थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वहां पर अपने एक ड्रम वगैरह रख देंगे जिसमें केरोसिन और पानी का सॉल्यूशन बना करके, और उसके अंदर जैसे लाइट के नीचे रखेंगे तो वहां पर एकत्रित होंगे, तो एकत्रित होकर के उसके अंदर गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक नंबर जो कीट था, फ्रूट सकिंग मौत। दूसरे कीट की अगर बात करें तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कीट है सिट्रस साइला, सिट्रस साइला, ठीक है, इंपॉर्टेंट कीट है। और इनमें कई बार आपके जो कीट होते हैं ना, इनमें आपके जो ये डिजीज को वाहक का काम करते हैं वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका अपने वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है डाइफोरिना सिट्राई, डाइफोरिना सिट्राई, ठीक है। अब सिट्रस में एक प्रमुख डिजीज होती है ग्रीनिंग, ठीक है, तो ये जो ग्रीनिंग बीमारी होती है उस ग्रीनिंग का वाहक का काम करता है, ठीक है, ग्रीनिंग रोग का संचरण, ग्रीनिंग रोग का संचरण करता है, ठीक है। और ये जो सिट्रस साइला होता है, इसका देखो क्या होता है, इसकी जो लार्वा होती है वो लार्वा एक तो जब पौधे छोटी अवस्था में रहेंगे उस टाइम एक्टिव रहेंगे, दूसरा जब पौधे बड़े होते हैं उसी टाइम अगर सिट्रस साइला का प्रकोप हो रहा है, तो सिट्रस साइला होता है वो पत्तियों के ऊपर एक विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ता है जो मीठा रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मीठा होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर एक कवक होती है, वो कवक डेवलप हो जाती है जिसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, ब्लैक फंगस पत्तियों के ऊपर डेवलप हो जाएगी तो फिर इसमें प्रकाश संश्लेषण की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की इसमें दिक्कत आती है, और इसका जो ये मेन ये ध्यान रखना, जो ग्रीनिंग रोग है इस ग्रीनिंग रोग का वाहक का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कीट की बात करें तो नेक्स्ट है नींबू की तितली, इंपॉर्टेंट कीट है, नींबू की तितली, ठीक।
ठीक है। अगर इसके अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पेपिलियो पेपिलियो डेमोलियसिस है ना, डेमोलियस पेपिलियो डेमोलियस ठीक है। अब ये जो नींबू की तितली होती है, एक तो ध्यान में रखना है ये नर्सरी अवस्था में ज्यादा हानिकारक होती है ठीक है, नर्सरी अवस्था में। और इसके जो हानिकारक अवस्था है वो हानिकारक अवस्था इसकी है लार्वा ठीक है। इसके जो लार्वा होते हैं नर्सरी अवस्था में या जब पौधे छोटी उम्र में होते हैं, पौधे छोटी उम्र में होते हैं उस टाइम में ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, छोटी अवस्था में छोटी पत्तियों को खाते हैं ना। ठीक है, तीसरा जो कीट था अपना सिट्रस, जो इसको नींबू की तितली बोलते हैं पेपिलियो डेमोलियस नाम है इसका वैज्ञानिक। और दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना, नर्सरी अवस्था में ये सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है और पौधे जब छोटी अवस्था में होते हैं उसकी छोटी पत्तियों को ही ज़्यादातर खाते हैं ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कीट की बात करें तो नेक्स्ट कीट है, देखो इसके अलावा भी अगर आप चीज़ लिख रहे हो तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना लार्वा की, ये लार्वा की प्रारंभिक अवस्था में लार्वा लिख लेना, लार्वा प्रारंभिक अवस्था में चिड़िया की विष्ठा के समान दिखाई देते हैं, चिड़िया की विष्ठा के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो इसका सर्वाधिक नुकसान रहता है ये भी नोट कर लेना, सर्वाधिक नुकसान इसका जो सर्वाधिक नुकसान रहता है एक तो अप्रैल से मई में रहता है, अप्रैल से मई माह में सर्वाधिक नुकसान रहता है। इसके बाद में ये अगस्त से अक्टूबर माह तक भी नुकसान पहुंचाता है, अगस्त से अक्टूबर माह में भी नुकसान पहुंचाता है ठीक है। ये दो टाइम है इसका, एक तो अप्रैल से मई में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, दूसरा अगस्त से अक्टूबर ठीक है। तो नींबू की तितली होगी, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया पेपिलियो डोमोलियस, और नर्सरी अवस्था में या फिर पौधे छोटी अवस्था में होते हैं उस टाइम नई पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा इसके जो लार्वा होते हैं प्रारंभिक अवस्था में चिड़िया की विष्ठा के समान दिखाई देते हैं, बाद में इसमें लट्टे बन जाती है ठीक है। और सर्वाधिक नुकसान है वो अप्रैल से मई माह में और अगस्त से अक्टूबर माह में दिखाई देता है ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कीट की बात करें तो नेक्स्ट इसमें है लीफ माइनर, जो इंपॉर्टेंट कीट है लीफ माइनर ठीक है। अगर इसके अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइलो फाइलोरिनेस सिट्रेला ठीक है। थोड़ा सा ये इसके जो बोटनिकल नेम जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये इसके जूलॉजिकल नेम होते हैं ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इनका, थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये जो लीफ माइनर है वो सिट्रस कैंकर होता है, सिट्रस कैंकर जिसको अपन नींबू का कैंकर बोलते हैं, सिट्रस कैंकर के वाहक का काम करता है, कैंकर के वाहक का काम करता है। ठीक है, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट कीट की बात करें तो नेक्स्ट इसमें है सिट्रस एफिड, सिट्रस एफिड। अगर इसके अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है टोमोप्टेरा ओरेंटाई, टोमोप्टेरा ओरेंटाई ठीक है। ये जो नींबू में ट्री स्टेजा रोग होता है उस ट्री स्टेजा रोग का वाहक का काम करता है, ट्री स्टेजा रोग का वाहक या संचरण बोल सकते हैं ठीक है,
संचरण का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीट थे, है ना, जो लीफ माइनर है, ध्यान रखना सिट्रस कैंकर के वाहक का काम करता है, और जो सिट्रस एफिडेविट्री स्टेज अरूप का वाहक काम करता है। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम याद रखो या नहीं रखो, लेकिन इसमें जो सिट्रस कैंकर का वाहक का काम करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ट्री स्टेज अरूप का वाहक कौन सा है ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने पहले फ्रूट सकिंग मोथ पढ़ा था, और इसके अलावा सिट्रस साइला है, ये कुछ डिजीज कुछ इंसेक्ट थे जो कुछ डिजीज को संचरण का काम करते हैं। सभी का याद रखना है, क्योंकि यहाँ से इंपोर्टेंट एक ने एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई सिट्रस कैंकर का वाहक कौन है, सिट्री स्टेज अरूप का वाहक कौन है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें डिजीज, इसमें देखो इंपोर्टेंट जो रोग है, रोग से भी कई बार इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई इंपोर्टेंट रोग कौन सा है और किस रोग का कारक क्या है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। सबसे पहला जो इसमें रोग आता है वो है सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, है ना, हिंदी में नींबू का कैंकर इसको बोल दिया जाता है। अब देखो इसमें से जो आपके प्रश्न पूछते हैं वो एक तो पूछ लिया जाता है, कारण पूछ लिया जाता है कि किस कारण होता है। ठीक है, तो सिट्रस जो कैंकर रोग है ये एक जीवाणु द्वारा होता है, और इसका रोग कारक है वो है जेंथोमोनास, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, पीवी सिट्राई। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, जहां भी कैंकर रोग आ रहा है, है ना, तो वहां पर जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस और सिट्राई के द्वारा जिस स्पीशीज में आ रहा है उस स्पीशीज का नाम आगे लग जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल है जो भी जीवाणु जनित बीमारी है ना, ये जो एक प्रकार का क्या है, ये जीवाणु है ना, और जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां होती है उन सब का कंट्रोल कैसे किया जाता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, इसके अलावा भी और कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को प्रोक्सीक्लोराइड के द्वारा अपन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये जो सिट्रस कैंकर है इसका आप भी अपने पढ़ा था, इसका वाहक कौन है आप भी पढ़ा था ना, लीफ माइनर, लीफ माइनर इसका वाहक का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ये कागजी नींबू में ज्यादा लगता है, कागजी नींबू में सर्वाधिक लगता है। ठीक है, और कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, नियंत्रण में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कोप्रोक्सीक्लोराइड, कोपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ज्यादा इतने ध्यान में रखना है इसमें जो सिट्रस कैंकर होता है, एक तो इसका रोग कारक ध्यान रखना है कि किसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो रोग कारक किसका है, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पीवी सेटराई सिट्राई या वेराइटी सिट्राई बोल सकते हैं, जीवाणु द्वारा होता है, सीधा कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सिट्रस कैंकर होता है वो जीवाणु विषाणु कवक कौन सा है, चार ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो जीवाणु भी ध्यान में रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई इसका अपन जूलॉजिकल नियम याद कर रहे हैं किसके द्वारा हो रहा है और जो जीवाणु कवक का भी पता नहीं रहता। ठीक है, वहाँ का इसका लीफ माइनर होता है और कागजी नींबू में सर्वाधिक देखने को मिलता है, नियंत्रण इसका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या कोप्रोक्सीक्लोराइड के द्वारा अपन करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोग है ग्रीनिंग, दूसरा रोग है ग्रीनिंग, ये जो रोग है इसको ग्रीनिंग यहां बीएलबी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, या बीएलबी, ठीक है, अगर बीएलबी का पूरा नाम पूछे तो वांग लोंग बीएलबी नहीं, इसका एचएलबी करना ना, एचएलबी हांग लोंग बिंग। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ग्रीनिंग या फिर बीएलबी, इसको एचएलबी बोल दिया जाता है और एचएलबी का वांग लोंग बिंग इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, सिट्रस जो ग्रीनिंग है वो रोग है, ये जीवाणु सदृश संरचना के द्वारा होता है, जीवाणु सदृश संरचना के द्वारा होता है, जीवाणु सदृश संरचना या फिर इसको अपन बोल सकते हैं बीएलओ, है ना, बैक्टीरियल
बैक्टीरियल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवाणु सदृश संरचना के द्वारा होता है। कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें माइकोप्लाज्मा भी दे रखा है, तो ये भी थोड़ा साथ में ध्यान में रखना, माइकोप्लाज्मा ना, माइकोप्लाज्मा। लेकिन आपके प्रश्न आए तो ये आपका सही है, 100% यही राइट होगा। जो 12th के एनसीईआरटी बुक आपके जीवाणु सदृश संरचना, इसमें बीएलओ दिया हुआ है, और इसका जो ग्रीनिंग है, ग्रीनिंग की वजह से क्या होता है, पौधे में हरिमाहीनता आ जाती है, हरिमाहीनता। तो पूछ लिया जाता है कि भाई निम्न में से कौन से रोग है जिसमें हरिमाहीनता देखने को मिलती है, ठीक है, तो हरिमाहीनता आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन थर्ड डिजीज की बात करें तो थर्ड है इसमें गोदांति या गमोसिस, गमोसिस या गोदांति, ठीक है। गमोसिस या गोदांति है वो एक कवक के द्वारा होता है, और रोगकारक है, कवक का नाम है फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा फार्मिवोरा, फाइटोप्थेरा फार्मिवोरा। अब जो ये गोदांति रोग है, ये देखो एक तो इसमें से ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि गोदांति रोग है वो सर्वाधिक नुकसान कहाँ पर पहुँचाता है, तो सर्वाधिक इसका इफेक्ट है, इसका जो प्रभाव है वो तने पर रहता है, ठीक है ना। तने के अलावा जब ये उग्र अवस्था में होता है तो पौधे के ऊपरी भाग में भी चला जाता है, और वहाँ पर ये एक गोंद जैसी संरचना, तभी इसको गोदांति बोला जाता है ना, गोंद जैसा पदार्थ है, गोंद जैसा पदार्थ स्त्रावित करता है, गोंद जैसा पदार्थ स्त्रावित करता है, ठीक है। तो गमोसिस है किसके द्वारा हो रहा है, कवक के द्वारा हो रहा है। इसका अगर कवक का नाम, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फाइटोप्थेरा फार्मिवोरा है। इसका सर्वाधिक इफेक्ट है वो तने के ऊपर होता है, और इसके प्रभाव जो कवक लगती है तो कवक एक गोंद जैसा पदार्थ है उसको स्रावित करती है, ठीक है। और अगर अपन बात करें जो इसका कंट्रोल है, तो कंट्रोल अपन इसका किस कर सकते हैं, नियंत्रण है, तो नियंत्रण इसमें अपने एक तो रोगरोधी मूलव्रंथ लगाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रोगरोधी मूलव्रंथ, ठीक है। रोगरोधी मूलव्रंथ में देखो अपने एक तो लगाते हैं रंगपुर लाइम, रंगपुर लाइम, ठीक है। इसके अलावा दूसरा लगाते हैं ट्राइफोलिएटा, ट्राइफोलिएटा, ठीक है। तो गोदांति या गमोसिस कवक के द्वारा हो रहा है, और कवक का नाम है फाइटोप्थेरा फार्मिवोरा, और इसका सर्वाधिक प्रभाव है वो तने के ऊपर रहता है, और गोंद जैसा पदार्थ ये कवक है वो स्त्रावित करती है, और इसके रोगरोधी जो मूलव्रंथ है वो रंगपुर लाइम है, और दूसरा है ट्राइफोलिएटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है ट्रिस्टेजा, इंपॉर्टेंट डिजीज है, ट्रिस्टेजा रोग, ठीक है। ट्रिस्टेजा रोग है जो एक वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और जो कागजी नींबू होता है, कागजी नींबू में सर्वाधिक, ठीक है। कल आपने पढ़ा था जो कागजी नींबू होता है उसमें ये ट्रिस्टेजा रोग है वो अधिक लगता है, और साथ में एक चीज़ आपने ये भी पढ़ी थी, कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रिस्टेजा रोग का सूचक पौधा कौन सा है, ठीक है, रोग का सूचक पौधा, ठीक है। तो इसका सूचक पौधा कौन सा होगा, जिस पौधे में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो कागजी जो नींबू है वो इसका सूचक पौधा है, ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखो ये जो रोग है वो वायरस के द्वारा हो रहा है, तो वायरस का जो कंट्रोल है वो किसे करते हैं, आप सभी जानते हो कि वायरस जनित जितनी भी बीमारियां हो रही है उनको किसी न किसी के द्वारा फैलाया जाता है, यानी कि वाहक होता है, कीट द्वारा फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो अपन कंट्रोल किसका करेंगे, कीट का कंट्रोल करेंगे, और कीट का कंट्रोल करने के लिए कोई भी कीटनाशी का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका वाहक लिख लेना, वाहक, वाहक किसका है, भूरा सिट्रस माहू, भूरा सिट्रस
माहु। अगर इसका वैज्ञानिक नाम आ जाए तो वैज्ञानिक नाम भी लिख लेना, टोमोप्टेरा सिट्रेसिडा। टोमोप्टेरा सिट्रेसिडा ठीक है, इसका वाहक है। अब देखो वाहक के अलावा, इस कीट के अलावा अगर अपन और क्या कर सकते हैं, कीट के अलावा अपन जो भी रोगरोधी मूलव्रंथ है उनका यूज करेंगे ठीक है, रोगरोधी मूलव्रंथ ठीक है। तो रोगरोधी मूलव्रंथ इसमें है आपके, एक तो रंगपुर लाइम है, रंगपुर लाइम, इसके अलावा रफ लेमन, इसके द्वारा अपन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये यूज मूलव्रंथ अपन यूज लेते हैं तो ट्रिस्टेजा रोग का प्रकोप है वो नहीं होगा ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज थी। इसके बाद में अगर अपन बात करें कुछ इसकी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जिसको अपन कायिक के विकार या देहिक के विकार बोल देते हैं, कायिक के विकार या देहिक के विकार। कायिक के विकार या देहिक के विकार, कायिक के विकारों में देखो सबसे इसमें जो पहला है वो है ग्रेनुलेशन, हमने या देखा होगा कई बार जो नींबू होता है नींबू के ऊपर जो सफेद कई बार ब्राउन कलर का वो धब्बे से दिखते हैं ठीक है, और उसमें उसको अगर अपन फोड़ते हैं तो बिल्कुल सूखा पदार्थ उसके अंदर से निकलता है ठीक है। तो वो जो रोग होता है वो ग्रेनुलेशन कहलाता है ठीक है, ग्रेनुलेशन ही होता है ठीक है। और ये जो रोग है इसका कारण क्या है, इसका जो कारण है वो है अधिक तापमान, अधिक तापमान व अधिक नमी, अधिक तापमान व अधिक नमी के कारण सीट्रस से ग्रेनुलेशन होता है, ध्यान रखना ठीक है। दूसरा जो इसका प्रमुख रोग है नींबू का डाइबैग रोग, नींबू का डाइबैग ठीक है। अब डाइबैग रोग है वो कॉपर की कमी से, कॉपर की कमी से होता है, ध्यान रखना कॉपर की कमी है ना। डाइबैग रोग में क्या होता है देखो, एक तो डाइबैग का मतलब क्या होता है, पौधा है वो ऊपर से सूखना शुरू करता है ना, जैसे इस प्रकार से कोई प्लांट है ठीक है, ये प्लांट है और अब इस ये लगा हुआ है ठीक है, तो इसकी जो टॉप पोर्शन होता है सबसे पहले ये सूखना प्रारंभ करता है, इसके बाद में धीरे धीरे नीचे वाला पोर्शन भी सूख जाता है ठीक है। तो ये जो इतना ही पूछा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो नींबू का डायबैग रोग है वो किसके कारण होता है, तो ये नींबू का डायबैग रोग है वो कॉपर की कमी से होता है ठीक है। थर्ड अपन जो इसकी बात करें, थर्ड जो डिजीज है वो है लिटिल लीफ, लिटिल लीफ यानी कि छोटी पत्ती ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, जितनी भी बीमारियां हो रही है लिटिल लीफ से वो जिंक की कमी से होती है, लेकिन नींबू में जो लिटिल लीफ है वो कॉपर की कमी से होता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि सभी लिटिल लीफ है वो जिंक की कमी से याद करते हैं और जो एक्स्ट्रा अपवाद वगैरह होते हैं वही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है। तो ये अपना नींबू है वो या जो सीट्रस था वो सीट्रस कम्प्लीट हुआ, इसमें अपने जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो कम्प्लीट किया, इसके अलावा इसकी कल्टिवेशन थी और डिजीज और कंट्रोल था वो सारा का सारा कम्प्लीट हुआ ठीक है। तो अच्छी तरह से इनके नोट्स बना करके आप याद करना, हो सकता है आपके जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जामों में कहीं ना कहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाए ठीक है। थैंक यू।